अब मैं बात करने जा रहा हूँ कुंडलिया छंद के बारे में। तो इस वीडियो में मैं आपको कुंडलिया छंद के बारे में बताने जा रहा हूँ। हम कुंडलियों छंद के उदाहरण देखेंगे, उदाहरण के साथ हम उसकी परिभाषा भी देखेंगे और उसे आसान शब्दों में मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा कि कुंडलिया छंद क्या होता है। आजकल परीक्षाओं में छंद से संबंधित काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जिस वजह से मैं आपको कुंडलिया छंद को इस तरीके से समझा दूँगा कि परीक्षा में इससे संबंधित कोई उदाहरण आता है पहचानने के लिए या फिर मात्रा काउंट करने के लिए, तो आप बड़ी ही आसानी के साथ कुंडलिया छंद पहचान सकते हैं और बना भी सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को। अब हम बात करने जा रहे हैं कुंडलिया छंद के बारे में। तो कुंडलिया छंद से संबंधित जितने भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं उन सभी के बारे में मैं डिटेल के साथ चर्चा करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहली बात है कि जो कुंडलिया छंद होती है इसमें 6 चरण पाए जाते हैं। कुंडलिया छंद में कुल चरणों की संख्या 6 होती है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि कुल 6 चरण होते हैं, इसको ध्यान रखना है। ये नियम नंबर हमारा पहला हो गया। अब इसी नियम के अंतर्गत आप ध्यान देना कि जो 6 चरण है, इस 6 चरण में से शुरुआत के 2 चरण होते हैं, जो प्रथम 2 चरण जो होते हैं, प्रथम 2 चरण दोहा छंद का उदाहरण होता है। प्रथम 2 चरण दोहा छंद होता है और इसके बाद अंतिम 4 चरण और बच गए, वो क्या होता है उसको भी मैं बताने जा रहा हूँ आपको। तो वह हमारे तीसरे नियम के अंतर्गत हो जाएगा कि अंतिम के जो 4 चरण होते हैं, अंतिम के 4 चरण जो होते हैं वे चारों चरण हमारे रोला छंद के उदाहरण होते हैं। अंतिम के 4 चरण रोला छंद के अंतर्गत आते हैं, रोला छंद है अंतिम के 4 चरण। अब चौथे नंबर पे प्रत्येक चरण यानी कि प्रत्येक 6 चरणों में 24-24 मात्राएँ प्रत्येक चरण में होती है। 24-24 मात्रा प्रत्येक चरण में होती है, किसी भी चरण को ले लीजिए 6 चरण में से, उसमें 24-24 मात्राएं पाई जाती है। इस तरीके से यह छंद कुंडलिया छंद कहलाता है और इसके सभी चरण में 24 मात्राएं होती है। तो जो दोहा छंद होते हैं इसमें 13 और 11 के क्रम से मात्राएं पाई जाती है और रोला छंद में 11 और 13 के क्रम से मात्राएँ पाई जाती है, यानी कि 13 और 11 24 हो गया एक चरण में। वैसे ही रोला छंद में भी 11 और 13, इसमें भी 24 हो गया एक चरण में। तो इस कारण से प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती है। एक उदाहरण लिख देता हूं, उसके बाद हम कुंडलिया छंद समझने का प्रयास और अच्छे से करते हैं। तो सबसे पहले बता दूं कि कुंडलिया छंद में पहला नियम है कि इसमें 6 चरण होते हैं, कुंडलिया छंद में 6 चरण पाई जाती है। दूसरा नियम है कि प्रथम 2 चरण में दोहा छंद होता है, दोहा छंद मतलब प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती है। अंतिम 4 चरण में रोला छंद होता है, रोला छंद कहने का मतलब है कि शुरू के चरण में शुरू साइड यति से, शुरू यति निशान से आगे 11 मात्राएं और यति निशान के बाद 13 मात्राएं, इस क्रम से 24-24 मात्राएं होती है। चौथा नंबर पे यही लिख दिया है कि 24-24 मात्राएं होती है। अब एक चीज़ और इसमें मैं बता दूँ कि जो छंद होता है यह दोहा और रोला दो प्रकार के छंद से मिल के बना है, जिस वजह से यह हमारा विषम छंद के अंतर्गत भी कुंडलिया छंद आता है। अब यहाँ पे एक उदाहरण लिख देता हूँ और हम कुंडलिया छंद समझने का प्रयास करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एक उदाहरण लिखा है, यह जो उदाहरण है यह कुंडलिया छंद का उदाहरण है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो छंद मैंने यहाँ पे लिखा है, इस उदाहरण में कुल 6 चरण है। कैसे 6 चरण है? तो ये जो यहाँ से लेके रहिए से लेके सोए तक पहला चरण है, इसी प्रकार से यह हमारा दूसरा चरण है यहाँ से होए तक, तीसरा चरण है हमारा जो से लेकर के है तक, चौथा चरण हो जाएगा हमारा जा से लेकर के जय है तक, और पांचवा चरण हो जाएगा हमारा कह से लेकर के गहिए तक, और अंतिम और छठवा चरण है हमारा पातों से लेकर के रहिए तक। तो इस तरीके से इस उदाहरण में हमारे पास 6 चरण मौजूद हैं। तो सबसे पहली बात कि कुंडलिया छंद में 6 चरण होते हैं, बात स्पष्ट हो चुका है, सही है। अब दूसरा देखते हैं कि प्रथम 2 चरण दोहा छंद हैं, दोहा छंद यानी कि 13 और 11 के क्रम से मात्रा आना चाहिए। तो चलिए मिलान करके देखते हैं। रहिए लटपट काटी दिन बरु घामे मासोए, ये हमारा पहला चरण है। तो इसमें हम मात्राओं की गणना करके देखते हैं।
र में कोई मात्रा नहीं है इसलिए लघु, ह में छोटा मात्रा है इसलिए लघु, य में एक ही मात्रा है इसलिए गुरु, लट पट में कोई मात्रा नहीं है इसलिए ये चारों हमारे लघु हो जाएंगे। काटी का गुरु है, त में छोटाई की मात्रा है इसलिए लघु है, दिन में छोटाई की मात्रा है इसलिए लघु है, न जो है हमारा लघु हो जाएगा। अब बरु यह लघु है, र में छोटाऊ की मात्रा इसलिए लघु है, घा में गुरु है, गुरु है, गुरु है, गुरु है और यह लघु है। अब इस पहले चरण में हम मात्रा की गणना करके देखते हैं तो एक दो दो चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह, तो यहाँ पे हमें कुल मिला है 13 मात्रा। इस यति निशान के आगे में हमें 13 मात्रा मिला है। अब इसमें गिनती करके देखते हैं, एक एक दो दो चार दो छः दो आठ दो दस एक ग्यारह, इधर हमें 11 मात्रा मिला हुआ है। तो 13 मात्रा और 11 मात्रा दोनों को जोड़ देंगे यदि तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 24 मात्रा, यानी कि इस चरण में पहले चरण में यहाँ से यहाँ तक हमें 24 मात्रा मिला हुआ है। अब दूसरा चरण देखते हैं, यहाँ पे गुरु हो जाएगा, लघु हो जाएगा, लघु हो जाएगा, गुरु 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 लघु गुरु, यहाँ गुरु लघु 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 गुरु गुरु और ये हो जाएगा लघु। गणना करके देखते हैं, दो एक तीन एक चार दो छः दो आठ दो दस एक ग्यारह दो तेरह, यहाँ पे हमें 13 मात्रा मिल चुकी है। अब इस वाले चरण में देखते हैं, दो एक तीन एक चार एक पाँच एक छः दो आठ दो दस एक ग्यारह, यहाँ पे हमें 11 मात्रा मिल चुकी है। यानी कि इस पूरे चरण दूसरे पूरे चरण में देखते हैं 13 और 11 यानी कि कुल हमें मिल गई 24 मात्रा, एक बार फिर से मिल गई। तो ये जो 24 मात्रा है वह तो हमें छयों चरण में मिलने वाली है, लेकिन खास बात क्या है कि प्रथम दो चरण दोहा छंद है और दोहा छंद में 13 और 11 मात्रा होते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि इसमें 13 और 11, इस पहले चरण में हमें 13 और 11 मिल गया, उसी प्रकार से दूसरे चरण में भी 13 मात्रा और 11 मात्रा यहाँ पर भी मिल गया। यानी कि ये जो शुरू के दो लाइन हैं, ये शुरू के दो लाइन हमारे दोहा छंद हैं। ये शुरू के दो लाइन क्या हो गए, ये शुरू के दो लाइन जो हैं हमारे ये दोहा छंद होंगे, दोहा छंद का उदाहरण है। शुरुआत में यह उदाहरण हमारा दोहा छंद का उदाहरण है, यह दोहा छंद के अंतर्गत आएगा। अब अंतिम जो चार लाइन है तो अंतिम चार लाइन रोला छंद के उदाहरण हैं और 11 और 13 के क्रम से मात्रा होते हैं। टोटल मात्रा तो वैसे इनमें भी 24-24 ही होंगे। तो चलिए तीसरे चरण में अब मात्रा की गणना करके देखते हैं, गुरु लघु 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 गुरु, गुरु लघु गुरु लघु 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 गुरु 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 और गुरु। अब मात्रा की गणना करके देखते हैं, दो एक तीन एक चार एक पाँच एक छः दो आठ दो दस एक ग्यारह, यहाँ पे मिल गई हमें 11 मात्रा। पहले क्या मिल रही थी 13, लेकिन अब क्या मिल रही है 11 मात्रा। दो एक तीन एक चार एक पाँच दो सात दो नौ दो ग्यारह दो तेरह, यहाँ पे मिल गई हमें 13 मात्रा मिल गई। और यदि हम 11 मात्रा और 13 मात्रा को जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी हमें मिल रही है 24 मात्रा। चौथे चरण में देखते हैं, गुरु लघु 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 गुरु लघु गुरु लघु गुरु लघु 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 गुरु गुरु गुरु। अब मात्रा की गणना करके देखते हैं, दो एक तीन एक चार एक पाँच दो सात एक आठ दो दस एक ग्यारह, यहाँ पे मिला हमें 11 मात्रा। इसी प्रकार से दो एक तीन एक चार एक पाँच एक छः एक सात दो नौ दो ग्यारह दो तेरह, यहाँ पे मिला हमें 13 मात्रा। तो चौथे चरण में 11 मात्रा और 13 मात्रा जुड़ करके एक बार फिर से हो गए हमारे पास 24 मात्रा। अब पाँचवें चरण में देखते हैं, लघु 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 गुरु लघु गुरु लघु गुरु 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 लघु लघु गुरु। अब यहाँ पे देखते हैं, एक एक दो मात्रा चार दो छः मात्रा एक सात एक आठ दो दस एक ग्यारह, 11 मात्रा यहाँ पे हमें मिल गई। इसी प्रकार से इधर भी देखते हैं, दो एक तीन दो पाँच दो सात दो नौ एक दस एक ग्यारह दो तेरह, इधर 13 मात्रा मिल गई। और 11 और 13 मात्रा को जोड़ देंगे तो एक बार फिर से हमारे पास हो जाएगा 24 मात्रा। अब छठवें चरण में मात्राओं की गणना करके देखते हैं, गुरु गुरु लघु 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 गुरु लघु लघु गुरु
गुरु गुरु गुरु, लघु लघु गुरु, दो दो चार, एक पाँच, एक छः, एक सात, एक आठ, दो दस, एक ग्यारह। यहाँ पे हमें मिल रहा है 11 मात्रा। यहाँ पे एक और दो तीन, दो पाँच, दो सात, दो नौ, एक दस, एक ग्यारह, दो तेरह। यहाँ पे मिल रहा है हमें 13 मात्रा। जोड़ते हैं 11 मात्रा और 13 मात्रा, कुल हो जाएगा हमारे पास एक बार फिर से 24 मात्रा। तो अंतिम चार चरण जो होते हैं रोला छंद होते हैं और इनमें 11 और 13 के क्रम से मात्राएं होती है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे अंतिम चार चरण में 11 का क्रम, 11 का क्रम, 11 का क्रम, 11 का क्रम, मतलब इधर पूरा अब 11 का क्रम मिल रहा है। पहले 13 और 13 का क्रम मिला था, लेकिन अब लगातार चार बार 11 का क्रम मिला है और जस्ट इधर यति चिन्ह के जस्ट इधर हमें 13 मात्राओं का क्रम मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि 13 मात्राओं का क्रम मिला हुआ है इधर। अब देखिए हम 11 और 13 को जोड़ेंगे तो इधर 24 मात्रा हो रही है। आखिरी चार लाइन में लगातार हमें 24 मात्रा मिला है और उसके पहले के भी दो लाइन में लगातार दो बार हमें 24-24 मात्राएं मिली थी। मतलब कि एक दो तीन चार पाँच छः, छयों चरण में हमें 24-24 मात्रा मिल चुकी है। यानी कि यह पहला वाला नियम तो सही है कि छः चरण होते हैं, और चौथा वाला भी सही हो गया कि 24-24 मात्रा प्रत्येक चरण में होती है। इसी प्रकार से प्रथम दो चरण दोहा छंद होते हैं, देख लिया है कि दोहा छंद है और 13 और 11 के क्रम से मात्राएं हैं। अंतिम चार चरण जो है वह रोला छंद होता है। तो अंतिम के यहाँ से एक दो तीन चार, ये जो चार चरण हैं अंतिम के, ये चारों चरण हमारे रोला छंद के अंतर्गत आते हैं। रोला छंद का उदाहरण है। तो दोहा छंद और रोला छंद दोनों आपस में जुड़ करके कुंडलियां छंद का निर्माण करते हैं। तो ये तो मैंने कुंडलियां छंद का एक उदाहरण बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको कुंडलियां छंद अच्छे से समझ में आ गया होगा।